हेलो रेमो सर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड। चलो भाई सब उठा, आजा महेश पीछा। तेज ऊपर चलना भाई, बैठ जा, ऐसे ही बैठ जा, बैठ जा, वेरी गुड, बैठ जा भाई, अंदर लेना प्लेस। आइए सर, कैंची हिमांशु सीजर किधर है? रहो भाई, कैंची लाओ, पिता करता है। कैंची उधर सामने दुकान में, कैंची खरीद। अरे क्या बात है, सामने देखो रेमो भाई। सर काटो मत, एक मिनट देखो, धार लगा के आते। अरे नहीं, अरे कैसा कैंची है भाई, खोल दो सर, खोल दो उधर सर, लाइटर दे, चल खुल भी नहीं रहा है। चलो वन मोर, ये बात एक्शन करने का है, एक्शन सामने देखो, एक्शन सामने सामने, छोड़ दो छोड़ दो, अरे अरे रुको, आइए सर आइए, एक फोटो भाई अंदर आएंगे, उधर से लेते हैं एक फोटो। हाँ किधर से ले? रेमो सर सेंटर में देखिए, सेंटर में वन मोर पे सर, चेंज अलग अलग डिफरेंट। ये हमारे हिमांशु को भी ले लो ना, आइए आइए अभी आइए, बहुत ये दोनों साथ में अलग कीजिए सर, दोनों बोल दीजिए आइए। कैन यू प्लीज, ये ठीक है, ये एक बढ़िया। चलो भाई बाय, चलो भाई बाय, अच्छी पानी में बाय। Yes, thank you. Thank you. ये एक्चुअली हमने एक कॉन्टेस्ट किया था मौज पे सुपरस्टार हंट की, और उसमें हमने बहुत सारे लोगों को कहा था कि डांस करके दिखाइए, और जो भी विनर होगा उसका उसको मिल हमसे मिलने का मौका मिलेगा, ये होगा। बट मुझे नहीं पता था कि हिमांशु इतना आगे चला जाएगा कि वो ना ही हमारा सुपरस्टार हंट जीता है, लेकिन उसने स्टूडियो खोल लिया यहाँ पे, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी आया था नया नया यहाँ पे मुंबई में, तो मैंने भी एक ड्रीम लेके आया था कि मैं भी आऊँगा और मुंबई में कुछ करूँगा या खुद का स्टूडियो करूँगा, तब मैंने किया था। और बहुत मुश्किल लगी थी मुझे, क्योंकि तब ये सब कुछ नहीं था जो अभी है, बट थैंक गॉड कि इसका टैलेंट बोला, और इसके टैलेंट की वजह से आज इसने बहुत जल्द ही एक स्टूडियो खोल लिया है मुंबई में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, एंड उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ, और स्टूडियो देख के बहुत बहुत खुश हुआ हूँ। मतलब मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँ कि रेमो सर मेरे आइडल हैं, मैं उनको देख के मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ, मतलब पहले कभी मिला नहीं था, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी जो जर्नी रही है सर की, मतलब वो इतनी मोटिवेशनल है, उनकी जर्नी सुन के मतलब कि एक डांसर के लिए इतना मोटिवेट हो जाता है सुन के। तो मतलब हमेशा से सर को मतलब DID से बहुत पहले से मतलब मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, और हमेशा से मतलब एक सपना था मेरा कि कभी मैं मुंबई में डांस स्टूडियो अपना ओपन करूँगा। और फाइनली जब मैं मौज सुपरस्टार हंट जीता और सर के सॉन्ग पे मैंने परफॉर्मेंस किया था, तो मैं एज अ उसमें विनर रहा था, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और मैं वेट कर रहा था कि सर के साथ में कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। फिर सर के साथ में एक बार मौका ज़रूर मिला था कि मैंने सर के साथ में एक ऐड शूट किया था, लेकिन फिर उसके बाद जो आज मौका मिला है कि मतलब मेरा डांस स्टूडियो और डांस के भगवान रेमो सर मतलब मेरे मतलब यहाँ पर आ गए, ये इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है, और बहुत खुश हूँ मैं। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू कब आपको ऐसा लगा कि इट्स वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म, और कब आपको ऐसा लगा कि इट्स नॉट सो यूजफुल, आई मीन
देखिए दोनों चीज़ें हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है कि यूज़फुल भी है और नॉट सो यूज़फुल भी है। यूज़फुल इसलिए है कि आजकल हमारी तरह नहीं कि हर जगह जाके हमको डांस करना पड़ता था, आप एक वीडियो शूट करो और वो सब लोगों के पास पहुंच जाता था। हमारे टाइम पे तो सब लोगों के पास हमको पहुंचना पड़ता था। तो सोशल मीडिया की वजह से ये है कि टैलेंटेड लोग जो हैं वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और अच्छा टैलेंट है जो कर सकते हैं, लेकिन नॉट सो यूज़फुल हम देख ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो बहुत ही कुछ भी होते हैं उसमें और अच्छे नहीं होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए नहीं अच्छे होते और और वो भी चल रहे हैं और इसी वजह से है। बट मैं कहूँगा कि यूज़फुल ज़्यादा है क्योंकि टैलेंट सबको दिखता है। पर जब आपने करियर की शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ थी नहीं, फिर भी आप कामयाबी मिली आपको जी, तो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से आपको क्या लगता है सेलिब्रिटी बनना आसान है मुश्किल है, एक स्ट्रेंथ है, क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए आसान तो हो गया है क्योंकि फट से आप सब जगह पहुंच जाते हैं और अगर आप टैलेंटेड हैं और आप अपने अच्छा कोई वीडियो बनाया है जो वायरल हो जाता है वो ऑटोमेटिकली एक वीडियो से आपका आप तो सेलिब्रिटी बन जाते हो। एंड ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे सोशल मीडिया में कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज सेलिब्रिटी बन गए हैं जस्ट डूइंग दोज वीडियोस। सो सर सक्सेसफुल डायरेक्टर, सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, देहाती डिस्को फिल्म आ रही है गणेश जी, एक्टिंग के बारे में क्या आपका है कि एक्टिंग का कोई आपको पैशन है या पैशन तो नहीं है, आया था उसी लिए लेकिन मुंबई लेकिन अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं है कभी। कुछ भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया तो मे बी नेक्स्ट क्या देखेंगे फिर क्यों आपके एबीसी जी जल्दी देखने को मिलेगा आपको। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है और जल्दी से अनाउंसमेंट होगी। मैं नाम और एक्टर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी तक अंडर रैप में, बट इसी साल होगा। डांस पर नहीं, इतना है कि डांस पे नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।